कोई दिक्कत। हाँ तो बच्चों, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम पशु परिचर का जो पशुपालन का पोर्शन है, यानी कि आपका जो पार्ट बी है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपको टेस्ट पेपर में दिए गए थे। ठीक है, देखेंगे। पहला क्वेश्चन, एशियन कैमल का वैज्ञानिक नाम पूछा है। सबसे पहले तो यहां बात आती है कि एशियन कैमल जो होता है, एशियन कैमल हम बोलते हैं कैमेलस बैक्ट्रियनस को, यानी कि डबल हम्प जो कैमल होता है, इस तरीके से जो ऊंट होता है डबल हम्प, जिसमें दो कूबड़ होते हैं, उसको हम बोलते हैं एशियन कैमल। और एशियन कैमल का वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलस बैक्ट्रियनस। और जिसमें एक कूबड़ होता है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, तो इस तरीके से अपना आंसर क्या हो जाता है? बी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ड्रोमेडेरी ऊंट को कहा जाता है। तो देखिए आप, जिसमें एक कूबड़ होता है उसको हम बोलते हैं ड्रोमेडेरी, और ड्रोमेडेरी को ही हम बोलते हैं अरेबियन कैमल। क्या बोलते हैं? अरेबियन कैमल। और जिसमें दो कूबड़ होते हैं, जिस ऊंट के अंदर दो कूबड़ होते हैं, उसको हम बोलते हैं एशियन कैमल, और एशियन को हम बोलते हैं बैक्ट्रियन कैमल। अब क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, ड्रोमेडेरी ऊंट को कहा जाता है, तो ड्रोमेडेरी को हम क्या बोलते हैं? अरेबियन कैमल बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अरेबियन कैमल हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से सर्वप्रथम मानव के द्वारा भोजन के सोर्स के रूप में किसे काम में लिया गया, यानी कि भोजन के सोर्स के रूप में सबसे पहले किसको काम में लिया गया? तो भोजन के सोर्स के रूप में सबसे पहले बोविडी फैमिली को काम में लिया गया, यानी कि मेनली दूध के रूप में। ठीक है, बोविडी फैमिली में कौन कौन आते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये आते हैं। ठीक है, सुईडी में सुअर आता है, इक्विडी में घोड़ा, गधा, खच्चर, और कैमेलिडी में कैमल आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोविडी फैमिली हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्न में से किसमें रूमन अनुपस्थित होता है? इसमें बी ऑप्शन और लिख लेंगे हम कोई भी, जैसे गाय लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है, निम्न में से रूमन किसमें एब्सेंट होता है? तो रूमन, जितने भी रोमन्थी जानवर हैं और जितने भी आवासी रोमन्थी जानवर हैं, उनमें तो रोमन होगा। याक एक रोमन्थी जानवर है, गाय रोमन्थी जानवर है, और भेड़ भी क्या है? रोमन्थी जानवर है। इसमें मैं गाय के साथ साथ अगर ऊंट भी लिख दूं तो इसमें भी रोमन पाया जाता है। रोमन एब्सेंट किसमें होता है? घोड़े में। तो आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुर्गी में आमाशय के कितने भाग होते हैं? तो मुर्गी में आमाशय के दो भाग होते हैं, एक तो प्रोवेंट्रिकुलस और एक होता है वेंट्रिकुलस। वेंट्रिकुलस को हम और क्या बोलते हैं? गिजार्ड बोलते हैं। यानी कि जो काम हमारे आमाशय में हो रहा है, मुर्गी में वही काम किसमें होता है? प्रोवेंट्रिकुलस में होता है। तो मुर्गी के अंदर ट्रू स्टोमक भी किसे कहते हैं? प्रोवेंट्रिकुलस को। टोटल भाग कितने हो गए? दो।
अच्छा ऊंट में कितने होते हैं टोटल भाग? तीन होते हैं। और रोमंथी जानवरों में कितने होते हैं आमाशय के भाग? चार होते हैं। तो अपना आंसर यहां क्या हो गया? दो हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, सूरी के अंदर गर्भावधि पूछी गई है, तो सूरी में गर्भावधि कितनी होती है भाई? 114 दिन की होती है, यानी कि 3 महीने प्लस 3 सप्ताह प्लस 3 दिन, ये गर्भावधि हो गई किसमें? सूरी में। ये गर्भावधि होती है किसमें? कुतिया बिल्ली में। ये गर्भावधि होती है किसकी? घोड़ी की। और ये देखने को मिलती है किसमें? भेड़ में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 114 दिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गाय में प्रसव के कितने दिन के पश्चात कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए? तो हम ये कह सकते हैं कि गाय में प्रसव के 85 दिन बाद, और अगर 85 दिन ऑप्शन में नहीं है तो 90 दिन बाद जो है वो एआई करानी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां? 90 दिन। देखिए, गाय से बछड़े को हम अलग करते हैं 90 दिन पर, पार्चुरीशन के बाद, प्रसव के बाद। और जैसे ही हम बछड़े का दूध छुड़ाएंगे, हम गाय के लिए दूसरे बछड़े या बछड़ी की व्यवस्था करेंगे। दूसरे बछड़े या बछड़ी की व्यवस्था के क्रम में क्या काम किया जाएगा? एआई की जाएगी, कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। तो कृत्रिम गर्भाधान प्रसव के कितने दिन के बाद करना चाहिए? मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 3 महीने बाद करना चाहिए, यानी कि 90 दिन के बाद। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, डेयरी गाय का दुग्ध काल होता है, यानी कि गाय कितने दिन दूध देती है? तो कितने दिन दूध देती है भाई? 10 महीने। गाय 10 महीने दूध देती है, और 2 महीने गाय को हम क्या रखते हैं? ड्राई रखते हैं, सूखा रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहां, दुग्ध काल हो गया 10 महीने। नेक्स्ट देखेंगे, गाय में ज्वाली की शुरुआत कहां से होती है? तो गाय में ज्वाली की शुरुआत कहां से होती है? रेटिकुलम से होती है भाई। कहां से होती है? रेटिकुलम से। ये चारों आमाशय के भाग हैं, लेकिन ज्वाली की शुरुआत कहां से होती है? रेटिकुलम से। नेक्स्ट देखेंगे, आमाशय से पाचन के पश्चात जो भोजन छोटी आंत में जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो जो भोजन छोटी आंत में जाता है आमाशय से पाचन के बाद, उसको हम बोलते हैं काइम। इनको देख लीजिए, ये क्या है? आंसर तो ये हो ही गया। कर्ड क्या होता है? जो किण्वित भोजन रेटिकुलम से मुंह के अंदर जाता है उसको बोलते हैं कर्ड। गाय पहली बार जो भोजन निगलती है उस भोजन को बोलते हैं बोलस, और बाइल हम बोलते हैं पित्त को। और पित्त जो है वो बनता कहां है? लीवर में। और स्टोर कहां होता है? गाल ब्लैडर में। यानी कि बाइल जो है वो यकृत में बनता है, और पित्ताशय में क्या होता है? स्टोर होता है। तो आमाशय से पाचन के बाद जो भोजन छोटी आंत में जाता है क्या कहलाता है भाई? काइम कहलाता है। जन्म के समय, क्वेश्चन है, जन्म के समय बछड़े के आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है, तो जन्म के समय बछड़े के आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? एबोमेसम। क्योंकि बछड़े के जन्म के समय बछड़े को हम सिर्फ क्या पिलाते हैं? खीस, शुरुआत के 3 दिन, और फिर हम पिलाते हैं मेनली दूध। और इनका पाचन कहां होता है? एबोमेसम में होता है। और उसके बाद फिर रूमन का डेवलपमेंट शुरू होता है, और रूमन का विकास पूरा होता है कब? 6 महीने की उम्र पर। तो हम ये कह सकते हैं जन्म के समय बछड़े के आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? एबोमेसम है। नेक्स्ट देखेंगे, हम्प कैटल, हम्प कैटल का मतलब हम बोलते हैं कुवड़ को, यानी कि ऐसी गाय जिसमें कुवड़ पाया जाता है। कुवड़ पाया जाता है किसमें? देसी गाय में। और कुवड़ एब्सेंट होता है किसमें? विदेशी गाय में। तो हम्प कैटल यानी कि कुवड़ युक्त गाय, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? बॉस इंडिकस। ये कैटल है भाई, कैमल नहीं है, कैटल बोल रहे हैं गोवंश को। तो आंसर क्या हो जाएगा? बॉस इंडिकस। और अगर हम्पलेस कैटल पूछा गया होता, यानी कि जिसमें कुवड़ एब्सेंट होता है, तो विदेशी गाय, तो आंसर क्या हो जाता? बॉस्टोरस। लेकिन अभी आंसर क्या जाएगा? बॉस इंडिकस। नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जुगाली नहीं करता है? रूमिनेशन, रूमिनेशन किसमें देखने को नहीं मिलती है? देखिए, ऊंट जुगाली करता है, आवासी रोमंथी जानवर है, मिथुन एक रोमंथी जानवर है जुगाली करता है, और विकुना क्या है, ये आवासी रोमंथी जानवर है, ये तीनों तो जुगाली करते हैं। कौन जुगाली नहीं करता है? खरगोश। तो आंसर क्या हो जाएगा? खरगोश हो जाएगा। खरगोश जुगाली नहीं करता है क्योंकि ये नॉन रूमिनेंट है। भारत के कौन से भाग में बैक्टीरियन कैमल पाए जाते हैं? बैक्टीरियन कैमल का मतलब इस तरीके के ऊंट जिनमें दो कुवड़ पाए जाते हैं, और दो कुवड़ वाले ऊंट भारत में कहां देखने को मिलते हैं भाई? लद्दाख में। पूछा जाए राजस्थान के अंदर कैसे ऊंट देखने को मिलते हैं, तो अरेबियन, या हम कह सकते हैं ड्रोमेडेरी, जिनमें एक ही कुवड़ पाया जाता है, यानी कि भारत में लगभग एक ही कुवड़ वाले ऊंट देखने को मिलते हैं, लेकिन लद्दाख में दो कुवड़ वाले ऊंट देखने को मिलते हैं, यहां बीच में इंसान बैठ सकता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गाय के आमाशय का सबसे छोटा भाग होता है, तो गाय के आमाशय का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? रेटिकुलम। और सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सबसे बड़ा भाग होता है रूमन, और सबसे छोटा भाग होता है रेटिकुलम। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आवासी जुगाली स्यूडो रूमिनेशन किसमें देखने को मिलती है? तो आवासी जुगाली हम बोलते हैं कोप्रोफेजिया को, और कोप्रोफेजिया का मतलब होता है जानवर के द्वारा खुद के मल को खाना। किसमें देखने को मिलता है? खरगोश में। नेक्स्ट, निम्न में से किस मादा जानवर की गर्भावस्था का ट्राइमेस्टर सबसे छोटा होता है? तो हम ये जानते हैं कि गर्भावस्था जिसकी जितनी लंबी होगी, ट्राइमेस्टर की लंबाई भी क्या होगी? ज्यादा। देखिए होता क्या है, किसी भी जानवर में जो गर्भावस्था का समय होता है उसको हम तीन बराबर भागों में बांट देते हैं, और प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं? एक ट्राइमेस्टर बोलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो जिसका गर्भावस्था का समय जितना लंबा होगा उसमें ट्राइमेस्टर का समय भी लंबा होगा, जिसमें गर्भावस्था का समय छोटा होगा ट्राइमेस्टर का समय भी क्या होगा? छोटा। तो देखिए, घोड़ी में गर्भकाल कितना होता है? 341 दिन। गाय में 283। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, निम्न में से सर्वाहारी जानवर है? सर्वाहारी का मतलब जो मांस भी खा सकता है और पौधे से प्राप्त होने वाली चीजें भी खा सकता है, दोनों प्रकार की। आंसर क्या जाएगा? सुअर। निम्न में से पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल है? पॉली का मतलब बहुत सारे, गैस्ट्रिक का मतलब आमाशय है, जिसमें भी आमाशय के भाग दो या दो से ज्यादा होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल। तो पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल का एग्जांपल क्या हो जाएगा इसमें? ऊंट, क्योंकि आमाशय के कितने भाग होते हैं? तीन भाग, बाकी इन सब में एक ही आमाशय है, तो इनको क्या बोलेंगे? मोनोगैस्ट्रिक एनिमल, इनको बोलेंगे मोनोगैस्ट्रिक एनिमल। और ऊंट को या रोमंथी जानवरों को हम क्या कहेंगे? पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल। नेक्स्ट देखेंगे, बकरी का मांस कहलाता है, बकरी के मांस को हम क्या बोलते हैं? चेवन बोलते हैं। भैंस के मांस को बोलते हैं बुफन, घोड़े के मांस को बोलते हैं चेवेलिन, और भेड़ के मांस को बोलते हैं क्या? मटन।
तो आंसर क्या हो जाएगा, चेवन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गाय का ग्लैंडुलर स्टोमक है, यानी कि जिसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ग्लैंड्स का मतलब ग्रंथियां, और ग्रंथियों का काम क्या है, पाचक एंजाइम स्रावित करना, और जहां पाचक एंजाइम स्रावित होगा वहीं पाचन होगा, और जहां वास्तविक पाचन होगा उसी को हम कहेंगे ट्रू स्टोमक। तो जिसको हम ट्रू स्टोमक कहते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर स्टोमक। तो आंसर क्या हो जाएगा, एवोमेसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एवोमेसम। नेक्स्ट देखेंगे, बकरी का वैज्ञानिक नाम है, तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैप्रा हिरकस है। क्या है भाई, कैप्रा हिरकस। ओविस एरिस किसको बोलते हैं, भेड़ को। बॉस इंडिकस किसको बोलते हैं, देसी गाय को। और बॉस टोरस किसको बोलते हैं, विदेशी गाय को। तो अपना आंसर क्या हो गया, कैप्रा हिरकस। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम पालतू जानवर है, सबसे पहले किसको पाला गया, कुत्ते को। तो आंसर हो जाएगा कुत्ता। सबसे अंत में किसको पाला गया, घोड़े को। बधियाकृत घोड़ा कहलाता है, बधियाकृत घोड़े को हम बोलते हैं क्या, गेल्ड। और बधियाकृत सुअर को बोलते हैं हॉग। बधियाकृत मेढ़े को या बधियाकृत बकरे को हम क्या बोलते हैं, वेडर। और बधियाकृत बिल्ले को, बिलाव को हम क्या बोलते हैं, न्यूटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बधियाकृत घोड़े को क्या बोलेंगे, गेल्ड। सफेद मांस देखने को मिलता है, तो सफेद मांस किसका होता है भाई, पोल्ट्री का, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट मीट। और बाकी इनका मांस कैसा होता है, रेड कलर का, जिसको हम बोलते हैं रेड मीट। जानवरों के मांस में मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, इसलिए इनके मांस का रंग कैसा होता है, लाल। पोल्ट्री के मांस में मायोग्लोबिन कम होता है, मांस का रंग कैसा होता है, सफेद। तो आंसर क्या हो जाएगा, पोल्ट्री। नेक्स्ट देखेंगे, बछड़े में बधियाकरण की उचित उम्र होती है, तो बछड़े में बधियाकरण कब करना चाहिए, 8 से 10 सप्ताह की उम्र पर। और कैस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम नर की बात करें तो कैस्ट्रेशन का क्या मतलब है, कैस्ट्रेशन का मतलब है कि नर के अंदर शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। निम्न में से रक्तविहीन बधियाकरण किस विधि को कहते हैं, यानी कि जिसमें हम कोई चीरा नहीं लगा रहे हैं तो ब्लीडिंग भी नहीं होगी। अब हम अगर चीरा नहीं लगा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, बंद विधि। बंद विधि में हम चीरा नहीं लगाते हैं, और इसमें हम दो मेथड काम में ले सकते हैं, एक तो हम बुर्डीजो कैस्ट्रेटर से करते हैं, और एक हम करते हैं रबर रिंग से। इन दोनों विधियों में हमें चीरा लगाने की जरूरत होती नहीं है, इसलिए बंद विधि को हम बोलेंगे रक्तविहीन बधियाकरण। नेक्स्ट, इलास्ट्रेटर उपकरण काम में लिया जाता है, चाहे तो इलास्ट्रेटर हो चाहे बुर्डीजो कैस्ट्रेटर हो, चाहे बुर्डीजो कैस्ट्रेटर हो और चाहे एमेस्कुलेटर हो, ये तीनों उपकरण किसके काम में लिए जाते हैं, बधियाकरण के काम में लिए जाते हैं भाई। नेक्स्ट, निम्न में से ग्रेजर जानवर है, ग्रेजर का मतलब जो ग्रेजिंग करते हैं, ग्रेजिंग का मतलब चारागाह में चरना, और चारागाह में नीचे चरने का काम भेड़ भी करती है और गाय भी करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऊंट जो है वो पौधे से पत्तियों को चुनकर खाता है। तो ऊंट क्या है, एक ब्राउजर एनिमल है, ऊंट एक ब्राउजर एनिमल है। बाकी भेड़ और गाय क्या है, दोनों ग्रेजर एनिमल हैं। बर्फ का जहाज किसे कहा जाता है, बर्फ का जहाज बोलते हैं याक को। और रेगिस्तान का जहाज हम किसे बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं ऊंट को। बर्फ का जहाज याक को, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को। गरीब की गाय चलता फिरता फ्रिज, ये किसको बोलते हैं, हम बकरी को बोलते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई, याक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, रोमन्थी जानवरों में से सर्वप्रथम किसे पाला गया, सबसे पहले रोमिनेंट्स में
किसे पाला गया भाई? बकरी को। स्वाम्प बफेलो वेलोइंग के लिए काम में लेती है। वेलोइंग का मतलब पानी में या कीचड़ में लेटना। स्वाम्प बफेलो बोलते हैं दलदलीय भैंस को, और दलदलीय भैंस जो है वो कीचड़ या दलदल का पानी ही काम में लेती है वेलोइंग के लिए। रेड मीट, जानवरों के मांस को हम बोलते हैं रेड मीट। आंसर हो गया भैंस का मांस। मुर्गी का मांस होता है व्हाइट मीट, और खरगोश का मांस होता है पर्ली व्हाइट मीट, यानी कि सफेद के साथ साथ चमकदार भी होता है। पर्ल बोलते हैं मोती को, मोती की तरह सफेद चमकदार मांस खरगोश का होता है और सफेद मांस होता है मुर्गी का, और रेड मीट जानवरों का मांस होता है। सीरस कॉर्ड, किस जानवर में बधियाकरण से उत्पन्न समस्या है? सीरस कॉर्ड का मतलब होता है कि अगर स्पर्मेटिक कॉर्ड में लंबे समय तक सूजन आ जाए, इसको बोलते हैं सीरस कॉर्ड। और यह समस्या उत्पन्न होती है किसमें? घोड़े में। वेलोइंग किस जानवर में देखने को मिलती है? वेलोइंग का मतलब पानी में या फिर कीचड़ में लेटना, और पानी में और कीचड़ में लेटते हुए आपने देखा होगा भैंस को और सुअर को, तो वेलोइंग देखने को मिलती है भैंस और सुअर में। किसके मांस को बफन कहा जाता है? तो केरा बीफ या बफन, ये हम बोलते हैं भैंस के मांस को। किसके मांस को बोलते हैं? भैंस के मांस को। आंसर हो गया ये। बीफ किसको बोलते हैं? गाय के मांस को। बछड़े के मांस को क्या बोलते हैं? वील। और खरगोश के मांस को क्या बोलते हैं? गेम। तो आंसर क्या हो जाएगा? बफन या कैराबी बोलते हैं भैंस के मांस को। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाय के गर्भकाल में कितने ट्राइमेस्टर होते हैं। तो गर्भकाल किसी का भी हो, ट्राइमेस्टर कितने होंगे? तीन ही होंगे। गाय का ट्रू स्टोमक किसे कहा जाता है? तो ट्रू स्टोमक का मतलब जिसमें एक्चुअली में पाचन हो रहा है। ट्रू स्टोमक या ग्लैंडुलर स्टोमक किसको कहते हैं? एबोमेसम को कहते हैं भाई। राजस्थान में पाए जाने वाले ऊंट हैं, तो राजस्थान में एक कुवड़ वाले ऊंट पाले जाते हैं, और एक कुवड़ वाला जो ऊंट होता है उसको हम बोलते हैं ड्रोमेडेरी, और ड्रोमेडेरी को ही हम क्या बोलते हैं? अरेबियन कैमल। अब ऑप्शन देखेंगे आप, एशियन और बैक्ट्रियन कैमल जो है ये तो दो कुवड़ वाले हैं, ये तो राजस्थान में पाए नहीं जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? अरेबियन कैमल हो जाएगा, ये आंसर है अपना। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से हम्प कैटल का उदाहरण है। हम्प कैटल का मतलब जिसमें कुवड़ पाया जाता है, और कुवड़ पाया किसमें जाता है? देसी गाय में। विदेशी गाय में क्या होता है? एब्सेंट। तो देसी गाय की जो भी ब्रीड है, साहीवाल देसी गाय की ब्रीड है, जर्सी, होलस्टन फ्रीसियन, ब्राउन स्विस, ये सब क्या है? ये सब विदेशी गाय हैं। विदेशी गायों में कुवड़ क्या होता है? एब्सेंट। तो इनको सबको हम क्या कहेंगे? हम्प लेस कैटल। क्या कहेंगे? हम्प लेस कैटल। और जिनमें कुवड़ पाया जाता है उनको बोलेंगे हम्प कैटल। तो देसी गाय का एग्जाम्पल हो गया साहीवाल। भैंस के सींग सामान्यतः कैसे होते हैं? तो भैंस के सींग कैसे होते हैं भाई? चपटे होते हैं और चौड़े होते हैं, और गोल और शंक्वाकार किसके होते हैं? गाय के। अपना आंसर क्या हो गया? भैंस के सींग चपटे होते हैं। निम्न में से किसकी गर्भावधि सबसे कम होती है? गाय की गर्भावधि कितने दिन? 283 दिन। भेड़ में 145 दिन, बकरी में 155 दिन, सूरी में 114 दिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सूरी हो जाएगा। ठीक है, बकरी के शरीर से बालों को हटाना, बकरी के शरीर से बालों को हटाना क्या कहलाता है? क्लिपिंग। और ऊन को हटाना क्या कहलाता है? सियरिंग। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें? क्लिपिंग हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये पार्ट बी का जो हमारा पेपर है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आप सब लोग हमसे लाइव जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करेंगे पशु परिचर की। गुड लक भाई सभी के लिए। थैंक यू सो मच।